ललमटिया ओपी क्षेत्र स्थित अल्पसंख्यक बालिका छात्रावास की छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षिका नाहिदा नासरीन पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर घंटों हंगामा किया। छात्राओं ने छात्रावास अधीक्षक को हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं हंगामे की सूचना पर पहुंचे नाथनगर अंचलाधिकारी स्मिता झा, ललमटिया और विश्वविद्यालय ओपी की पुलिस ने छात्राओं को काफी समझाने बुझाने का प्रयास किया। छात्राएं अपनी जिद पर अड़ी रही और छात्रावास के मुख्य द्वार पर हंगामा व नारी के बाद कुलपति से मिलने की बात को लेकर विश्वविद्यालय पहुँच गयी। छात्रावास में रह रही दर्शा अनवार ने बताया कि वह TMBU की PG सेमेस्टर 2 की छात्रा है। कोरोना की वजह से विश्वविद्यालय द्वारा परीक्षा आयोजित नहीं की गई है। हॉस्टल में रह रहे हैं तो अधीक्षिका द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है और जबरन गंदी गंदी गालियां दी जाती है। मेरा एडमिशन ना TMBU में भी है, ठीक है, TNB कॉलेज में। मैं PG की स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर सेकंड, ठीक ना। और कोरोना को लेकर के अभी एग्जाम थोड़ा डेली चल रहा है, उसको लेकर के हमको बोला जा रहा हॉस्टल खाली करने की। तो मेरी क्या गलती है सर, जब यूनिवर्सिटी लेट चल रही है तो हमको हॉस्टल बुला रखा है, जबकि दोनों जने में एडमिशन है। और मैम हमको ये बात बोल के टॉर्चर करती है कि तुम्हारा बाप गुंडा है, तुमको यहाँ पर नहीं रहने देंगे, और गुंडे की बच्चा, चोर की बच्चा यहाँ पर, जिसके कारण हॉस्टल का माहौल खराब हो रहा है, इसको निकाला जाए। और ऊपर सब लोग बस यही डिसीजन लिया कि हमको निकाल दिया जाए। क्या कारण क्या है, क्यों नहीं चाहिए? कारण यही है कि बहुत ज्यादा लड़कियों को टॉर्चर करती है, लड़की के फेवर में कभी नहीं रहती है, हमेशा मैथ्स वाली के फेवर में रहती है, मतलब लड़की का कुछ सुनती ही नहीं है ये। प्रॉब्लम क्या होता है आप लोगों से? मतलब गर्मी का दिन है, अगर लड़के को गर्मी, लड़की को भी लगता है ना, अगर लड़की छोटा कपड़ा पहन ली हॉस्टल के अंदर तो उनमें उनको प्रॉब्लम ही है। बहुत घटिया फैमिली से है और करेक्टर करने आई है यहाँ पे तुम लोग। ये बात कौन बोला? सुप्रिंटेंडेंट हम लोगों को नहीं चाहिए, बस एक ही मुद्दा है, सुप्रिंटेंडेंट को हटाया जाए। मुद्दा क्या 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 कारण क्या है? क्योंकि ये लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर करती है, कैरेक्टर पे उंगली उठाती है और हमेशा उसको इस तरह से प्रताड़ित करती है कि मानसिक शोषण और शारीरिक शोषण, सब शोषण करती है वो। क्या टॉर्चर, किस टाइप का टॉर्चर? हमारे कैरेक्टर पे उंगली उठाया जाता है। क्या बोले? प्रोटेस्ट करना, प्रोटेस्ट करना मैम के खिलाफ। मैम नहीं चाहिए हम लोगों को। कौन रोका है आप लोगों? मैम ताला लगाया गया था, हम लोग को मतलब कल रात से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं प्रोटेस्ट करने का, लेकिन सुबह से ताला लगा हुआ है। घर में गार्जियन को टॉर्चर करते हैं, यहाँ फिर ये हमको टॉर्चर करती है। कौन मैम बोलते हैं? नाहिदा नासरीन मैम। और मैम है यहाँ कौन? हम लोग को नहीं चाहिए भैया मैम। जबकि छात्रावास अधीक्षक डॉक्टर नाहिदा परवीन ने बताया कि उनके ऊपर लगाए गए सारे आरोप बेबुनियाद है। नगमा अनवार और दर्शा अनवार का सेशन 2017-19 है, वहीं उनका सेशन समाप्त हो चुका है, लेकिन वे दोनों जबरदस्ती छात्रावास में रह रही हैं। आपके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मामला? ये कल सर हमारे आए थे, मृत्युंजय सर, इन्होंने कहा कि आप दोनों लड़की खाली कर दीजिए हॉस्टल। कौन? नगमा अनवार और दर्शा अनवार को। आप लोग का कोर्स भी पूरे हो गए हैं और यहाँ पे है, और एक का मैंने नगमा अनवार का एडमिशन नहीं लिया था। ये पूर्व में ताला स्टोर रूम का तोड़ दी थी और गैस सिलेंडर निकाल ली थी, जिसकी वजह से हमने नहीं लिया। उसमें आज कल आए सर, कहें कि आपको ऐसा है, आप दोनों खाली कर दीजिए। तो ये लोग समय ले ली शनिवार का, तो कहें कि जाइए शनिवार को होगा। कल जो है सर सबका ग्रुप बना दिए, सबका ये जिम्मेदारी लड़की, ये जिम्मेदारी लड़की, और कल 5 घंटा सर रहे हैं यहाँ पे। अगर विवाद इन लोग का करना था तो कल करते, कोई लड़की सर को 5 घंटे में नहीं बोली, ना मेरी शिकायत भी नहीं करी सर। जब हम मेस वाले 5:30 बज गया तो मेस वाले से एक गिलास पानी मांगा कि 9 बजे से हम यहाँ आए हुए हैं, पानी जो पिया तो दरक्षा अनवार ने यहाँ पर आकर के नहीं दिया। मेरा नाम नाहिदा, नहीं दिया, तुमको बताएंगे, इतनी सड़ी सड़ी गाली दी है। तुरंत हम मृत्युंजय सर को फोन लगाया, ये आधे रास्ते में थे, कहीं मैडम जल्दी साफ निकलिए हॉस्टल से, उनका शायद कि मेरे पर हाथ लगा दे। हम बोले ठीक है सर, हम निकल जाते हैं, निकल गए। और मैंने विभाग को भी फ़ोन किया, क्या ऐसी जगह नौकरी करने से, काम करने से क्या फ़ायदा जहाँ पर इज्जत ना हो। आपको कभी धमकी वगैरह भी दिया गया है? जी, कि रोड पर अगले साल जो हुआ था, ये लोग जो ताला तोड़ी थी उसी में बोली कि आप समझते हैं मेरा बाप पहले माने बाद में है रंगबाज, हम पहले बॉस हैं। तो हम बोले क्या करना चाहती हो, तो आपको हम उठा देंगे, उठा के फेंक देंगे। तो मतलब इन लोगों का सेशन तो खत्म हो गया दोनों बहन का? दोनों बहन का। फिर भी यहाँ क्या कारण है? कारण इन लोग से अब पूछा जाए सर, नहीं खाली करते, नहीं खाली, वो सर आए थे खाली कराने कल,
किसी का ये हंगामा है। और सब लड़की को ये आज हमको खाली करवा रही है, कल आपको, परसों उसको। और आप जाते हैं ना रात में, आपको हम उठवा लेंगे। हम बोला अगर मौत इसी बहाने मेरी है तो मरने के लिए तैयार। जगदीशपुर प्रखंड में पंचायत चुनाव का नामांकन कार्य चौथे दिन भी काफी गति से आरंभ रहा। प्रखंड कार्यालय के समीप राजमार्ग पर चुनावी मेले का लोग आनंद लेते रहे। प्रत्याशियों के समर्थक भी काफी अधिक संख्या में प्रखंड परिसर पहुंच रहे थे, जहां बार बार माइकिंग कर प्रखंड परिसर में नहीं आने का आग्रह करते रहे, लेकिन प्रत्याशी समर्थक काफी संख्या में जुटते रहे। यहाँ तक कि प्रशासन भी मूक दर्शक बनी रही। प्रखंड के 14 पंचायत के लोग नामांकन करने में पीछे नहीं रहे। कुल 432 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें मुखिया पद के लिए 27 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। सरपंच पद के लिए 17 एवं पंचायत समिति सदस्य के लिए 31 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। वार्ड सदस्य के लिए कुल 288 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। पंच के पद के लिए 69 प्रत्याशियों ने नामांकन कराया। वार्ड प्रत्याशियों की संख्या अधिक होने के कारण उनके लिए एक अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था की गई थी। मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, पंच पद के लिए सहजंगी पंचायत, चांदपुर पंचायत, इमामपुर पंचायत प्रत्याशी ने अपने समर्थक के साथ पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस भी अपनी मुस्तैदी पर डटे दिखी। पूर्व पंचायत में मुखिया रहे, जनता ने लाया था, जिस विषय से जनता लाया था उस विषय को काम करके हमने दिखलाए हैं। अब फिर जो बाकी बचा रहा है उसको फिर हमने पूरा करेंगे। क्या मुद्दा रहे हैं? विकास का जो है वो सबसे पहले है, कृषि और शिक्षा, ये सबसे पहले है। उसके बाद और जो विकास होगा उसके लिए मैं अपना प्रयास योगदान जितना होगा मैं अपने तरफ से कोशिश करूँगा कि बहुत आगे तक जाए। किस मुद्दे को लेकर आए मैदान में? बस एक तो शौक था, विकास बहुत कम से कम हुआ था, दिल में जज्बा हुआ, पब्लिक का मतलब पूरा समर्थन हुआ, और लगा भी कि नहीं आने से जो है विकास होगा, तो इसी मुद्दे पर हम तैयारी किया है। पब्लिक वोट क्यों दिया? बस विकास के लिए। क्या नाम? सुजीत मंडल हुआ। किस पंचायत से? भवानीपुर देसरी पंचायत। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। प्रथम प्राथमिकता क्या है? अधूरा काम को पूरा करना और पंचायत में हरियाली लाना, विकास लाना। क्या समस्या? समस्या तो बहुत है, बताने की तो बात नहीं है, ये तो जनता लोग खुद जान रही है। हम उसका निवारण करने के लिए इस पद को चुने हैं, ताकि जो भी समस्या हो हम उसको हटा सके और मिलके जो जनता हमारी है वो हमको सपोर्ट करेगी। लाल, किस पंचायत से? यमनी पंचायत। किस पद के लिए? मुखिया पद के लिए। चूँकि सर आप पुराने मुखिया जी रहे हैं, तो आप अपने बारे में जो 5 साल में आपने कार्य किया है और जनता चूँकि आपको फिर से मैंडेट देने का इच्छुक है, तो आप वो कौन सा काम रहा जो आपको बेहतर 5 साल में आपने किया? सौहार्द को जोड़ा मैंने अपने समाज में, सौहार्द के साथ जो है पंचायत को चलाया, विकास किया। हमें विश्वास है कि मतदाता मुझे फिर ये तीसरी बार मिला होगा, दो बार तो वहाँ का मतदाता मुझे जिताया, विजय कराया है, फिर इस बार भी उम्मीद है कि मतदाता मुझे जिताएगी। विकास जो है मेरे ऊपर है और हम चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा काम कर सकें, बस यही हमको कहना है, इससे अधिक कुछ नहीं है। क्या नाम है सर? कुमार किसका नाम? पंचायत, कौन सा पंचायत? बैजानी पंचायत। मुद्दा हमारा, मैं इससे पहले 2011 में भी मुखिया था, हमारी पत्नी थी, ठीक है, और मुद्दा हमारा मेन है कि जो सरकार का जो भी सरकार के तरफ से जो पंचायत में जो मिले उसको बिना बिचौलिए के गरीब गुरवा को उसका यानी कि धरातल पे वो आए, और इंदिरा आवास, रोड नाला सड़क प्लस वृद्धा पेंशन, ये जितना भी काम हो यानी कि बिना बिचौलिए के इसको यानी कि गरीब गुरवा तक यानी कि जो भी सरकार का योजना हो गरीब गुरवा तक उसको मिले, और नाला हो, सड़क हो, पानी हो, स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था, शिक्षा हो, और मैं चाहता हूँ कि हमारा जो पंचायत है वो खुशहाल पंचायत हो और शिक्षित पंचायत हो।
मैच्योरिटी की अवधि पूरा होने के बावजूद सुल्तानगंज सहारा बैंक शाखा के द्वारा ग्राहकों को राशि भुगतान नहीं किए जाने से नाराज खाताधारकों ने बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया। सुल्तानगंज के मजदी, कमरगंज, जहांगीरा, अब्जुगंज, मिरहट्टी से आए खाताधारकों ने बताया कि हम लोगों की मैच्योरिटी एक साल पहले ही पूर्ण हो गई है, लेकिन बैंक मैनेजर, कर्मी और एजेंट के द्वारा एक साल से दौड़ाया जा रहा है। कल आना परसों आना कहकर पिछले एक साल से बैंक का चक्कर लगवा रहे हैं। बैंक आए सर? कौन बैंक? सहारा बैंक आए हैं। क्या हमारी बच्ची का तबीयत खराब है और एक साल आठ महीना मैच्योरिटी पूर्ण है। मैनेजर साहब तारीख पे तारीख बोल रहे हैं, आठ महीना से जो है मेरा बच्चा बेड पे बीमार है, चमकी का बीमारी है। हम रोज आते हैं तो यहाँ तारीख पे तारीख, और जो है ना थाना में भी इसका पुलिस केस हो चुका है। रामप्रीत बाबू थाना प्रभारी थे, उसके सामने में थे, कमरगंज के मुखिया भी भरत भैया के सामने ये सारी बात हो चुकी है, जिसके कारण जो है ना बोला कि मैनेजर साहब की हमको आठ की एक तारीख को सारा भुगतान कर दिया जाएगा थाना प्रभारी। आज क्या आश्वासन दिया मैनेजर साहब? आश्वासन आज दिए तो बोले कि आपका जो है ना 14 तारीख मंगलवार को हो जाएगा सर, तारीख पे तारीख मिल रहा है सर। हम की दिक्कत में बैठे हुए, शादी करना में पैसा लेना से हमारा तो की बोले जो मैं यहां मंजर आइयो, कल आइयो, एक महीना बाद आइयो, दो महीना बाद आइयो। कितना दिन से दौड़ा रहे? तीन महीना से दौड़ा रहे। तीन महीना से? हाँ तीन महीना हो गया हमारा। कितना पैसा निकलता? 2,20,000। बेटी की शादी लग लो? हाँ बेटी की शादी लग गया, नहीं विश्वास देख लीजिएगा बेटी जा करके। पिछले आठ साल से सहारा से भी विवाद चल रहा है, अभी से भी अपना वार्षिक रिपोर्ट जारी किया है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है 23,000 करोड़ रुपया मेरा उनके पास है, जो कि कोई दावेदार नहीं, वो भुगतान वापस हमको वो करेंगे। एक तो ये बात है, दूसरी बात यह है कंपनी दूसरी तरफ से भी पैसे का व्यवस्था कर चुकी है, 14,700 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है, लेकिन जब विदेश से कोई बड़ी पैसा आते हैं तो उसमें ईडी का परमिशन चाहिए और इंटरनेशनल फ्लाइट अभी हमारी बंद है, 30 तारीख के बाद इंटरनेशनल फ्लाइट वगैरह चालू होंगे, तो जो पैसा आया हुआ वो खाली आके क्लेरिफिकेशन करेंगे, वो सारा पैसा हम लोग के बीच में वितरित होना है, नहीं कुछ भुगतान करेंगे। यहाँ कुछ ग्राहकों का कहना है कि बिचौलियों की मदद से कुछ कमीशन के मार्फत पेमेंट किया जा रहा है। मेरा आपसे आग्रह है महोदय, अगर ऐसा एक भी केस आपको दिखता है तो प्लीज़ उसको प्रकाश में लाएं, उसको किसी भी स्तर से हम नहीं बख्शेंगे, किसी भी स्तर से, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे संस्थागत हो, इनके साथ इस तरह का कोई बात नहीं। इनके साथ ये समस्या, इनकी बेटी बीमार पिछले कई माह से चल रही है जी, इनके लिए क्या आप? इनको हमने 6-7 तारीख के विषय में ही बताया था, लेकिन 8 तारीख को अचानक हमारी मीटिंग हो गई, हमने इनके लिए व्यवस्था करके भी रखा था, कुछ कार्यकर्ता को बोला था 5,000-10,000 करके तो एक पेमेंट करानी है। इस बीच में हमारी 8 तारीख को मीटिंग हो गई मंडल बोकारो में, हम आज यहाँ फिर से कार्यभार अपना संभाले हैं, 2-3 दिन मंगलवार हम बोल रहे हैं मंगलवार को इनका काम हो जाएगा।